और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ ऑफ ही अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए सब हो जाएगा। यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी, यह वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम, परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी, आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में, 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। हमने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जताया। कैसे हो सकता है भाई, गांधी जी भी आके गए, करके कह के गए, क्या हुआ, अभी स्वच्छता कैसे हो सकती है, अविश्वास से भरी हुई इनकी सोच है। हमने माँ बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पे जोर दिया। और तब ये कह रहे हैं क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या, क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या। हमने जब जनधन खाते खोलने की बात की, तब भी यही बात निराशा की, क्या होता है जनधन खाता, उनके हाथ में पैसे कहाँ है, उनका जेब में क्या पड़ा है, क्या लेके आएंगे, क्या करेंगे। हमने योग की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने उसको बढ़ावा देने की बात की, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की, तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई, स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही, तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या भाषण किए, हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है,
हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे। आज डिजिटल इंडिया देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात कही, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। आदरणीय अध्यक्ष जी,